राजस्थान मेडिकल कॉलेज कोटा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वच्छता पखवाड़े साइकिल व दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम से इस रैली की शुरुआत हुई, जिसे मेडिकल कॉलेज प्राचार्य विजय सरदाना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सभी अस्पतालों के अधीक्षक, विभागों के अध्यक्ष, शहर के नामित चिकित्सकों के साथ राजेंद्र चिकित्सक, स्नातक विद्यार्थी, नर्सिंग कर्मी और मेडिकल विभाग से जुड़े सभी लोग शामिल थे। मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई यह रैली केशवपुरा सर्किल, तलवंडी सर्किल, कॉमर्स कॉलेज सर्किल, झालावाड़ रोड, एरोम सर्किल, छावनी, किशोर सागर तालाब से होती हुई वापस मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुई। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने कहा कि हम सभी अस्पतालों में काम करते हैं, वहाँ पर स्वच्छता का बड़ा रोल होता है। यदि अस्पताल स्वच्छ नहीं रहेंगे तो लोगों का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। अस्पताल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन इसमें आम जनता भी सहयोग करे। वही IMA के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि इस रैली के माध्यम से हम आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। इस दौरान MBS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RP मीणा, सुपर स्पेशलिटी विंग के अधीक्षक डॉक्टर नीलेश जैन, रामपुरा जिला के अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह सहित कई चिकित्सक रैली में शामिल हुए। स्वच्छता पखवाड़ा राज्य सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। 16 तारीख तक जो है हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं और वहाँ एक स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल होता है, और हॉस्पिटल अगर स्वच्छ रहेंगे तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसमें हम लोगों की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन लोगों को भी भागीदारी रहे और स्वच्छता से स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य से स्वच्छता भी है। तो ये मैसेज देने के लिए हम सब लोग जो है आज एक साइकिल और दोपहिया वाहन रैली कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कोटा IMA कोटा के माध्यम से ये साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से हम कोटा की आम जनता को संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता एक बहुत आवश्यक चीज़ है। जो बीमारियां हैं, संक्रमित बीमारियां हैं, यदि हम स्वच्छ रहेंगे और अपने स्थान को, आसपास को स्वच्छ रखेंगे तो इस प्रकार की बीमारियां काफ़ी कम होंगी और लोग अपना स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज हम स्वच्छता रैली निकाल रहे हैं। इसमें हम कहना चाहते हैं कि अपने कैंपस को, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ चलते हैं, सबको आप स्वस्थ बनाएं। इससे हम न केवल वातावरण को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे।